नमस्कार दोस्तों, राजा ऑनलाइन कंप्यूटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज टैली का मैं एक अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको हमारे टैली के जो ट्रांजेक्शन सॉल्व के या हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, तो चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है टैली पीजी टी आर पी 9 करके। यहाँ पास देखिए, कंपनी रिजेक्टेड 50 पीसेस स्क्रीन गार्ड टू रॉय प्राइवेट लिमिटेड। क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी जैसे कि हमारी कोई कंपनी में हम जहाँ जॉब करते हैं तो वहाँ क्या होते हैं कि कंपनी कुछ सामान जैसे परचेस करती है दूसरी कंपनी से, तो वो जो सामान आते हैं तो उनमें से कुछ ख़राब होते हैं या तो अच्छे नहीं रहते या कुछ डैमेज रहते हैं प्रोडक्ट में, तो उनको क्या करती है कंपनी, रिजेक्ट कर देती है, यानी कि वापस कर देती है कि आप इसे वापस कर लीजिए। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें और भी बहुत सारे कुछ ऑप्शंस है जैसे सोल्ड दीपक इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेटस लिमिट क्रेडिट, यानी कि सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या है कि जैसे कि हमको क्रेडिट जो है कि हमको कितना क्रेडिट में कितना लिमिट रखना है, कितने हज़ार तक उधारी हम दे सकते हैं या खरीद सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। एक और क्वेश्चन है, कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास दो बिल होते हैं, जैसे हम कोई सामान परचेस करते हैं या प्रोडक्ट कोई भी परचेस करते हैं तो उसमें एक्चुअल बिल अलग होता है, जैसे कि प्राइस जो होती है एमआरपी की कुछ और होती है और बिल उसका जो बनता है कुछ और अलग बनता है। ठीक है, तो इस टाइप के हम उसमें देखेंगे और इसमें कुछ डिस्काउंट भी है और बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी कि कब वो इशू हुआ था और एक्सपायरी डेट कब हुआ था और गोडाउन कहाँ कहाँ गोडाउन है, उसकी एंट्री हमारे अच्छे से करने वाले हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही स्लोली बताएंगे, उम्मीद करूंगा कि बहुत ही आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पास कंपनी पहले टैली ओपन कर लेता हूँ। तो टैली आती नहीं, मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पास देखिए हमारी टैली कंपनी ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हम क्या करना है, हमारे पास कंपनी क्रिएट करना है, तो मैं टैब 3 प्रेस करूँगा। कंपनी क्रिएट करने का शॉर्टकट की है और यहाँ पास पहले से कंपनी ओपन है कृष्णा प्राइवेट लिमिटेड, मैं इसको सेट कर देता हूँ यानी कि हटा देता हूँ और एक क्रिएट नई कंपनी कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं क्रिएट कंपनी में किया तो इस पेज में हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। तो कंपनी मैं कोई बना लेता हूँ, राज ऑनलाइन, सॉरी कंप्यूटर। ठीक है, एड्रेस डाल देता हूँ टेक्नो सीस कंप्यूटर सेंटर फ्रंट ऑफ साइंस। ठीक है, और कंट्री में सेलेक्ट करें, कंट्री हमारी है इंडिया और स्टेट हमारा छत्तीसगढ़, पिन कोड है 5001। बाकी अब कुछ डिटेल हम नहीं डालना चाहते, छोड़ देते एक्सेप्ट। अब हमारे यहाँ पास कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम चलते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस पे। ठीक है, जैसे कि मैं पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के बता दिया हूँ कि कंपनी कंपनी क्या करे, रिजेक्टेड सामान को रिजेक्ट तो वापस कर दिए 15 पीस स्क्रीन गार्ड। ठीक है, किसको, रॉय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को। उसका ये नंबर है रिजेक्ट RPL 0026, मतलब ये होता है कि कंपनी जो भी सामान सामान खरीदती है उसका एक बिल बनाती है, ये बिल नंबर होता है। ठीक है, और यहाँ पर डेट किया हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सामान रिटर्न करना है। ठीक है, तो हमने कंपनी यहाँ पास क्रिएट कर लिए हैं। अब रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पास बैक स्पेस आना है या गेटवे ऑफ टैली में आके हमें यहाँ पास फीचर्स में जाना है F11 में, और यहाँ पास
इन्वेंटिव फीचर्स में जाना है सेकेंड ऑप्शन, इसमें एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यूज रिजेक्टेड इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, यहाँ पर यूज, तो आगे चलना है हमें यहाँ पास ये पर यस करना पड़ेगा और इस सेकेंड नंबर को यस, ठीक है। उसकी यहाँ पास देखिए सेकेंड ऑप्शन है यूज रिजेक्टेड रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट, इसको हम यस कर दें और उसके बाद यहाँ पर सेंटर एक्सेप्ट, तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं बैक करके स्पेस आते हैं गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पास हमें रिजेक्शन आउट का शॉर्टकट की है अल्ट प्लस F6, तो अल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पास होगा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पास हम अल्ट के साथ F6 प्रेस कर लेते हैं, अल्ट प्लस F6, ये यहाँ आ गया रिजेक्शन आउट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, हमें स्क्रीन गार्ड, तो हमें यहाँ पास पार्टी नेम बनाना है, तो लेजर हम नहीं बनाएंगे, यहाँ पास पार्टी सप्लायर नेम एंड एड्रेस, कौन सप्लाई कर रहा है उसका एड्रेस डालना है, यहाँ पास रॉय प्राइवेट लिमिटेड, तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास हम ठीक है, और सेंड क्रेडिटर के बाद यहाँ पास सामान का लिस्ट तैयार करना है, जैसे कि हम यहाँ पास स्क्रीन गार्ड है, तो यहाँ पास अल्ट सी प्रेस करके हमें आइटम का नाम बनाना है स्क्रीन गार्ड, प्राइमरी क्या चीज़ स्क्रीन गार्ड, क्या चीज़ का आइटम है, तो यहाँ पास अल्ट सी प्रेस करके मोबाइल आइटम डाल देते हैं, मोबाइल का पार्ट होता है पार्ट्स, उसके बाद किस में है पीसेस में है, तो यहाँ पास अल्ट सी प्रेस करेंगे पीस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए बन गया है और ट्रैकिंग नंबर हमें 1 ही रहने देते हैं और क्वांटिटी हमें यहाँ डालना है, क्वांटिटी कितना है 15 पीस है, यहाँ 15 डाल देंगे, और यहाँ पास क्योंकि हम पहले हम ये इसके सामान की एंट्री नहीं किए हैं, तो इसके यहाँ पास माइनस दिखा रहा था, है ना, नेगेटिव। यहाँ रेट डाल देते हैं, कितना रेट है इसका, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना रेट है, अच्छा रेट इसमें नहीं दिया है, तो हम कोई से भी रेट ले लेते हैं, जो भी सामान खरीदे होंगे वही रेट होगा, तो 125 रुपये डाल देते हैं, ठीक है। उसका पीसेस और बाकी एक ही सामान है हमें वापस करना है, तो एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, ठीक है। अगर और सारे बहुत सारे सामान होंगे और सामान होंगे तो हम न्यू नंबर करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा सामान नहीं है, तो हम यहाँ पास एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे इंटर। एक ही पीस करना था, जैसे यहाँ पास स्क्रीन गार्ड है 15 पीस है और उसका रेट है 125 रुपये पीसेस पर पीसेस, तो होता है अमाउंट होता है 1875 रुपये का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास नरेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन को समझा सकते हैं क्या है, है ना। उसके बाद एक्सेप्ट, यस। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है, ऑन 1/7/2020 कंपनी सोल्ड गुड्स टू दीपक इलेक्ट्रॉनिक ऑन क्रेडिट एंड सेट द क्रेडिट लिमिट पर 5 लाख, और यहाँ पास आइटम लिस्ट दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पास क्रेडिट लिमिट सेट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पास बैक करके वापस जाना है, और यहाँ पास हमें देखिए फिर हमें क्या करना है, फीचर्स में जाना है, है ना। तो फीचर्स में जाने के लिए हम यहाँ पास F11 में या किस में क्लिक कर देते हैं, और अकाउंटिंग वाउचर हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही जाना है, क्लिक एंटर करना है, और यहाँ पास मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, यहाँ पास देखिए मेंटेन बजट एंड कंट्रोल ऑप्शन, उसे हमें यस करना है,
ये ऑप्शन है मेंटेन बजट एंड कंट्रोल, ठीक है। इससे हमें क्या करना है, यस करना है, यस कर दिए और इसके बाद यहाँ पास एक्सेप्ट। अब बैक करके हमें वापस आना है और फिर से हमें क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं और दोस्तों यहाँ पर चूंकि इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है क्रेडिट ऑन सेट लिमिट है ना, तो चूंकि यहाँ पास गुड्स कर रहे हैं यानी कि सोल्ड का मतलब होता है सेल्स करना यानी कि बेचना, तो कंपनी क्या कर रही है, बेच रही है गुड्स है ना, तो हम इसकी एंट्री हम किस में करेंगे, सेल्स का होता है एफेट, यहाँ पास एफेट प्रेस करेंगे और यहाँ पास रेफरेंस नंबर है अगर है तो डाल दीजिए, यहाँ पास देखिए रेफरेंस नंबर नहीं दिया है तो छोड़ देते हैं नहीं। उसके बाद यहाँ पास इंटर, यहाँ पास दोस्तों आप मैं आपको यहाँ पास डेट डालने का तरीका डेट नहीं बताया हूँ, तो डेट के लिए आप यहाँ पास F2 प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ वाउचर डेट आ जाता है। तो जैसे वाउचर डेट है तो 1/7/2020 का है, तो यहाँ पास इस पर पहले वाले प्रश्न में भी मैंने डेट नहीं डाला था, तो आप डाल लीजिएगा F2 प्रेस करके 1/7/2020। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 1/7 पास डाल देता हूँ 2020 ऑटोमेटिक दे देगा, ठीक है। तो मतलब 1 जुलाई का, और रेफरेंस नंबर नहीं डालना है। पार्टी नेम हमारा क्या है, पार्टी नेम हमारा दीपक इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, दीपक इलेक्ट्रॉनिक। तो अल्ट सी प्रेस करके हम यहाँ पास ठीक है, इस सेंडे क्या हो जाएगा, डेबिटर, क्योंकि सेल्स कर रहे हैं है ना। और यहाँ पास देख ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ पास देखिए डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड क्योंकि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है क्रेडिट लिमिट है 5 लाख, तो हमें यहाँ पास 5 लाख रुपए वहाँ डाल देना है, इकाई ढाई सैकड़ा 4-10 लाख, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पास यहाँ नहीं करना है, ये इस ऑप्शन स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पास आपको 5 लाख डाल देने का, ढाई सैकड़ा या 10 लाख, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पास बाकी हमें कुछ नहीं करना है और ये एक्सेप्ट, न्यू नंबर एंड ऑफ लिस्ट है और यहाँ पास सेल्स, तो सेल्स क्या हो जाएगा, तो सेल्स बना लेते हैं अल्ट सी प्रेस करके। सेल्स किस में आता है, सेल्स में आता है सेल्स अकाउंट, ये सेलेक्ट, ये अब यहाँ पास हमें सामान की लिस्ट बनाना है, क्या क्या सामान है देख लेते हैं। मोबाइल है 200 पीसेस 2025 रुपये, तो हम मोबाइल बना लेते हैं, तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास आइटम क्रिएट कर लेते हैं, तो मोबाइल स्पेलिंग मिस्टेक है, मोबाइल और ये मोबाइल पार्ट्स है, तो ये कुछ नहीं है, मतलब मोबाइल मोबाइल है और ये पीसेस में है और ये एक्सेल। ट्रैकिंग नंबर नॉट एप्लीकेबल, क्वांटिटी कितना है देख लेते हैं, 200 पीस है और रेट है 25,000, ठीक है, क्वांटिटी है 200 पीस और रेट है 25,000 का, ढाई सैकड़ा जा, ठीक है। और है सामान, इसको पहला वाला ख़त्म, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड आते हैं, सेकंड प्रश्न सेकंड वाला क्या है, टच स्क्रीन 40 पीस है 1,000 रुपये रेट, तो अल्ट शिफ्ट प्रेस करके टच स्क्रीन। अभी मोबाइल पार्ट्स है ना, फिर मोबाइल पार्ट्स देते हैं इसके अंदर, नॉट एप्लीकेबल, इसका कितना है क्वांटिटी 40 पीस है, रेट है 1,000,
तो दोस्तों ये दोनों हमारा ट्रांजेक्शन, दोनों प्रश्न इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अच्छा सॉरी, इस प्रश्न में जैसे मैंने वहाँ पास देखिए क्या किया था कि 5 लाख तक ही क्रेडिट करना, मगर यहाँ पास देखिए कितना हो रहा है, कई दहाई सैकड़ा इकाई, क्रेडिट लिमिट 5 लाख है, मगर इसका देखिए कितना अमाउंट होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख 10 लाख, यानी कि 50 लाख हो रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है, वहाँ पास एक्सेप्ट नहीं कर रहा है प्रश्न को। ठीक है, तो हमें यहाँ पास क्या करना पड़ेगा, उसको कम करना पड़ेगा, या फिर से हमें इसमें जाना है दीपक इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पास हमें क्या करना है, रेट को बढ़ाना है या फिर यहाँ पास हमें कम करना पड़ेगा, इसका आइटम को कम करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पास क्या करते हैं इस प्रश्न में, जैसे यहाँ 200 पीस है तो हम इसको 5 पीस ही कर देते हैं। ठीक है, आप ये सेव हो जाएगा, ये एक्सेप्ट, ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पास हमारा जो क्रेडिट है यानी कि उधारी का जो लिमिट है 5 लाख तक है। अब ये 1,65,000 हो गया, तो ये आप क्या करेगा, ले लेगा, ये देखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब लास्ट चलते हम थर्ड क्वेश्चन में, कंपनी परचेस गुड्स फ्रॉम सोनी इंडिया लिमिटेड ऑन 31/7/2020। ठीक है, अब ये क्या कर रही है, सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अब इसमें कुछ ऑप्शंस है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, क्वांटिटी में 2 बिल है, एक्चुअल बिल है और बिल है, एक्चुअल है और बिल है, प्राइस है, डिस्काउंट है, बैचेस नंबर है, बैच में है, बैच नंबर में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है और गोडाउन, इतने सारे ऑप्शन हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हम प्रश्न से ही समझ रहे हैं कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है, फीचर्स में जाना है ना। तो चलिए हम चलते हैं, स्टेप बैक कर लेते हैं इसको, बैक करने के बाद यहाँ पास हम चलते हैं फीचर्स में, और यहाँ पास हमें इन्वेंटरी फीचर्स में जाना है सेकंड वाले में, और अंदर जाएंगे जस्ट, और हमें क्या क्या चाहिए, हमें यहाँ पास जैसे कि गोडाउन, गोडाउन का मतलब होता है लोकेशन, या है ना, लोकेशन ही होता है, तो हमें यहाँ पास यस कर लेना चाहिए, किसी टैली के वर्जन में लोकेशन दिया जाता है, किसी टैली के वर्जन में गोडाउन दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पास हमें लोकेशन यानी गोडाउन दोनों एक ही मतलब है, यस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास मेंटेन स्टॉक कैटेगरी का हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पास देखिए मेंटेन बैचेस, बैच वाइज डिटेल और सेट एक्सपायरी डेट, हमें इन दोनों को यस करना है। तो यहाँ पास यस और सेट एक्सपायरी डेट, इसे भी हमें यस करना है, और यहाँ पास यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम, यानी कि जो ये वाला प्रश्न है, ये एक्चुअल और बिल वाला, इससे भी हमें यहाँ पास यस करना है, तो इसे हम यस कर लेते हैं और देखते हैं। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग बाकी इधर कुछ नहीं है, है ना, और यहाँ ट्रैकिंग नंबर भी नहीं है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है, तो हम ये एक्सेप्ट, इंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम चलते हैं पैक करके वापस, और सॉरी एंड ओवर, अभी हम अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और यहाँ हमें सामान परचेस करना है, तो हमें परचेस करना है, तो F9 देखिए यहाँ पास एक्चुअल और बिल्ड आ गए। अब यहाँ पास देखिए परचेस करने का बिल नंबर हम यहाँ पास नहीं दिया हुआ है, तो हमें सप्लायर नंबर नहीं दिया है, तो हम इसको डेट अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। F2 प्रेस दबा के भी यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसको मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, और यहाँ पार्टी नेम डाल देता हूँ, पार्टी नेम हमारा है सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो अल्ट शिफ्ट प्रेस करके सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये अल्ट सी करके हो जाएगा, ये केस में आ जाएगा सेंडी क्रेडिटर, तो परचेस हमेशा डेबिट साइड होता है,
वेंडर बिल बाई बिल हमें नहीं करना है, यहाँ पर लिमिट हमारा नहीं है, है ना, परचेस करने का हम इसमें कुछ नहीं डालेंगे, और इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड इससे हम कुछ नहीं करेंगे। यस है, हाँ इन्वेंट्री वाला है, इसको यस कर लेते हैं। बाकी और यहाँ लेज़र बना लेते हैं परचेस का, अल्ट से प्रेस करके परचेस, ठीक है, इसमें आता है परचेस अकाउंट, और यहाँ पर आइटम है। तभी हम यहाँ सामान का आइटम कर रहे हैं, तो सामान हमारा क्या क्या है, सबसे पहला है हमारा हार्ड डिस्क है ना, तो यहाँ अल्ट सी प्रेस करके ये क्या हार्ड डिस्क क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स है, तो अल्ट सी प्रेस करके यहाँ पास और ये किस में बिक रहा है, पीसेस में बिक रहा है, तो यहाँ पीसेस बना हुआ है पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पास देखिए दोस्तों आपको याद रखना है, हमें यहाँ पास मेंटेन इन बैचेस, बैच को हमें यहाँ पास यस करना है ना, क्योंकि हमारे में बैच बैच नंबर दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पास जैसे ही उसको यस करते हैं ना, दो ऑप्शन और आता है, टेक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और यूज़ एक्सपायरी डेट, यानी कि दोनों हमको यहाँ पास डालना है हमारे पास है, तो हम यहाँ दोनों को यस कर लेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट, ये देखिए यहाँ पर डैश में मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ये भी दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पास यस। ट्रैकिंग नंबर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल, और लोकेशन हमें यहाँ पर गोडाउन, गोडाउन लोकेशन ये गोडाउन दिया है बिलासपुर, तो इसको हम अल्ट सी प्रेस करके गोडाउन बना लेते हैं, तो बिलासपुर लोकेशन है बिलासपुर, तो यहाँ मेन लोकेशन डाल लेते हैं, और इसको आ गया, और मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसका, मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/10/2020, यहाँ 1 नंबर का लेते हैं, तो 1/10, ठीक है, और एक्चुअल बिल क्या है इसका, अभी यहाँ पास मैन्युफैक्चरिंग डेट पे है, एक्सपायरी डेट नहीं पूछा है, अब एक्चुअल बिल पूछ रहे हैं, एक्चुअल एक्चुअल में कितना, 15, यहाँ हम 15 डाल देते हैं, सॉरी 15, और बिल भी इसका 15 ही है, ठीक है, रेट इसका रेट कितना है देख लेते हैं, रेट है 1200, 2% डिस्काउंट, यहाँ 1200, और डिस्काउंट कितना है, सॉरी इस प्रश्न में हमें एक मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं कोई ऑप्शन को यस नहीं किया है ना, तो हमारा सारा ऑप्शन मैंने बेकार नहीं किया है, आपको बस बता दूंगा मैं आपको कहाँ से यस करना है उसको, है ना, तो आप उसको कर लीजिएगा। यहाँ पास एक ऑप्शन और आता है, तो वहाँ पर सब डिस्काउंट को यस करना है, बस यहाँ पास 2 डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट हो जाएगा डिस्काउंट, है ना, क्योंकि मैं भूल गया हूँ डिस्काउंट को डालना, और यहाँ पास एक्सपायरी डेट डाल देते हैं, ठीक है, एक्सपायरी डेट क्या है इसका, 31/3/2020, तो 31/3/2020 है, तो 2021 कर देते हैं हम लोग उसको, 31/3/2021, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पास एंड ऑफ लिस्ट। यहाँ पास दोस्तों जैसे आप फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पास देखिए, यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन इन्वेंटरी इन फीचर्स में यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इनवॉइस, इसे हमें यस करना है, हमने यहाँ पास इसको भूल मिस्टेक हो गए थे, यहाँ पास आप यस कर लीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं करना है, मैं सेकंड क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देते हैं उसी में, ठीक है, ये ऑप्शन आ गया, जैसे मैं उसको यस किया हूँ तो ये यहाँ पास आ गया था, आप उसको पहले भी कर लीजिए बाद में भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यहाँ पास मैं 2 डाल देता हूँ, 2% डिस्काउंट है, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया है ना, उसके बाद ये यस। अब सेकंड है हमारा, सेकंड मेमोरी है 200 पीस,
मेमोरी डाल देते हैं यहाँ पास, तो सॉरी यहाँ पास बनाना पड़ेगा एड्रेस रिफ्रेश करके। ये क्या है, मोबाइल पार्ट्स है, पीसेस में है, और इससे में भी बैच को यस करना है, और ये दोनों को भी यस करना है। यहाँ पास हमें नॉट अप्लीकेबल है, और यहाँ पास लोकेशन हमें बिलासपुर, तो हम बिलासपुर बना चुके हैं, तो हम बनाने की जरूरत नहीं, भी दबाएंगे तो बिलासपुर आ जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं क्या है इसका, 1/5/2020 है, तो न्यू में क्लिक करेंगे, 1/5/2020, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल बिल कितना है इसका देख लेते हैं, 200 है और बिल है 180, तो एक्चुअल है 200 और इसका 180। रेट है इसका, रेट है 350, तो 350 है, और पर है डिस्काउंट भी इसमें 2%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास एक्सपायरी डेट डाल देते हैं, एक्सपायरी डेट क्या है इसका, 31/3/2022, तो हम इसको 31/3/2022। ये दोस्तों ये पास हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छा समझाया आपको ना। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।